अब देखो, कोर्ट केवल और केवल रेलेवेंट फैक्ट्स को ही डिमांड करता है, यानी कोर्ट में आप केवल उन्हीं फैक्ट्स को एज एन एविडेंस लेके आ सकते हो जो रेलेवेंट फैक्ट्स हैं। नाउ ये रेलेवेंट फैक्ट्स क्या होते हैं, देखो कोई भी फैक्ट जो किसी भी मैनर में वेदर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली रिलेटेड विथ फैक्ट इन इशू या मैटर इन इशू, वो कहलाता है हमारा रेलेवेंट फैक्ट। ठीक है, देखो वो कोई भी फैक्ट जो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली किसी भी मैनर में जुड़ा हुआ रहता है किससे, फैक्ट इन इशू से या मैटर इन इशू से, वो कहलाता है रेलेवेंट फैक्ट। और कोर्ट केवल रेलेवेंट फैक्ट्स को ही एक्सेप्ट करता है एज एन एविडेंस। एग्जाम्पल, मान लो ये जो हमारे पास केस था कि ए ने बी के ऊपर एक सूट फाइल किया था, ये कहते हुए कि बी ने मेरे से जो 5000 रुपीज़ लिया था वो अभी तक रिटर्न नहीं किया। अच्छा, बी अपने स्टेटमेंट के सपोर्ट में एक लेटर शो करता है कोर्ट में, जिस लेटर में ए ने एक्सेप्टेंस दिया रहता है राइटिंग में कि उसने 5000 रुपीज़ रिसीव कर लिया है इस पर्टिकुलर डेट पर। तो ये क्या है, दिस लेटर इज रेलेवेंट फैक्ट, क्योंकि जो मैटर इन इशू है कि बी ने ए को 5000 रुपीज रिटर्न किया है कि नहीं किया है, उसे क्लियर कर रहा है, उससे जुड़ा हुआ है। तो ये क्या है, ये है रेलेवेंट फैक्ट्स। नाउ अगर मान लो बी इस लेटर के प्लेस पे अपने किसी प्रॉपर्टी का टाइटल डीड शो करता, तो क्या ये एक्सेप्टेबल होता, क्या ये रेलेवेंट होता, क्या हमें इस बात के बारे में जानकारी मिलती कि बी ने ए को पैसे रिटर्न कर दिए थे? नो। और इससे क्या होता, इससे कोर्ट का जो वैल्यूएबल टाइम है वो भी कहीं ना कहीं वेस्ट होता, कोर्ट को जजमेंट डिलीवर करने में परेशानी होती। तो इसलिए कोर्ट केवल और केवल रेलेवेंट फैक्ट्स को ही डिमांड करता है, यानी वो फैक्ट्स जो किसी भी मैनर में मैटर इन इशू या फैक्ट इन इशू से क्या होता है, रिलेटेड होता है डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, उसे हम कहते हैं रेलेवेंट फैक्ट्स। आज के इस वीडियो में हम बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ एविडेंस लॉ के बारे में बात करने वाले हैं। हम ये समझेंगे कि हमारा जो एविडेंस लॉ है वो कुल कितने चैप्टर्स में डिवाइड है, कुल कितने सेक्शंस हैं, और ये जो सेक्शंस हैं वो किस चीज़ के बारे में बात करते हैं। साथ ही हम ये भी समझेंगे कि एविडेंस लॉ का जो कंसेप्ट है वो किस प्रिंसिपल पे बेस्ड है। तो अगर आप वीडियो में एंड तक बने रहते हो तो जितने भी सेक्शंस हैं एविडेंस लॉ के वो सभी सेक्शंस आपके टिप्स पे होंगे। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखो एक्ट का नाम है इंडियन एविडेंस एक्ट 1872। सबसे पहले इसके कुछ बेसिक बातों को समझते हैं, जैसे एविडेंस क्या है। आपके इस एक्ट में एविडेंस को कहीं भी डिफाइन नहीं किया गया, लेकिन सेक्शन 3 इस पर्टिकुलर एक्ट का जो सेक्शन 3 है जो कि क्या है, इंटरप्रिटेशन क्लॉज है, उसमें केवल ये बताया गया है कि एविडेंस किसे कह सकते हैं, एविडेंस किन किन चीजों को इंक्लूड करता है। ठीक है, चलिए तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि एविडेंस का मतलब क्या है। देखो ये जो वर्ड एविडेंस है ये लैटिन वर्ड एविडेरा से डिराइव है, जिसका मतलब होता है टू मेक अदर थिंग्स क्लियर, यानी एविडेंस का मतलब है चीजों को स्पष्ट करना, वो एक चीज जो किसी दूसरे चीज को स्पष्ट करता हो, क्लियर करता हो, वो क्या है, एविडेंस है। एग्जाम्पल, मान लो ए एक केस फाइल करता है बी के खिलाफ, ये कहते हुए कि बी ने मुझसे जो 5000 रुपीज़ लिया था इस पर्टिकुलर डेट पर
वो 5000 रुपीस बी ने मुझे अभी तक रिटर्न नहीं किया है, ठीक है। अच्छा, बी कोर्ट में एक लेटर शो करता है और ये जो लेटर था, इस लेटर में ए एक्सेप्ट किया रहता है इन राइटिंग कि उसने बी से 5000 रुपीस रिसीव कर लिया है, डेट भी मेंशन रहता है और ए के सिग्नेचर भी रहते हैं। तो इस लेटर को एज एन एविडेंस माना जाता है कोर्ट में, क्योंकि ये जो पर्टिकुलर लेटर है वो कोर्ट में जो मैटर इशू में बना हुआ है, वो मैटर जो कोर्ट में इशू में बना हुआ है कि क्या बी ने ए को 5000 रुपीस पे कर दिया है कि नहीं कर दिया, उस चीज़ को क्लियर कर दे रहा है। यानी ये जो लेटर है वो क्या है, एक एविडेंस है। क्यों? क्योंकि कोर्ट में जो मैटर है, जो क्वेश्चन है कि क्या बी ने ए को पैसे लौटा दिया है, उस चीज़ को क्या कर रहा है, क्लियर कर दे रहा है, स्पष्ट कर दे रहा है कि हाँ बी ने ए को 5000 रुपीस इस पर्टिकुलर डेट पे लौटा दिया था। तो दिस लेटर इज एन एविडेंस, ये क्या है, एविडेंस है, बिकॉज दिस लेटर इज मेकिंग अदर थिंग्स क्लियर, ठीक है। तो वो कोई भी चीज़ जो दूसरे चीज़ों को क्या करती हो, स्पष्ट करती हो बियॉन्ड एनी डाउट, उसे हम कहते हैं एविडेंस, क्लियर। चलिए अब देखो, अगर हम एविडेंस के डिफरेंट फॉर्म्स के बारे में बात करें तो एविडेंस के बेसिकली तीन फॉर्म कंसीडर किए जाते हैं, फॉर्म्स ऑफ एविडेंस। तो बेसिकली क्या है, तीन फॉर्म है। एक होता है ओरल स्टेटमेंट्स, दूसरा होता है डॉक्यूमेंट्स और तीसरा होता है इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स, ठीक है। ओरल स्टेटमेंट्स का मतलब है जो भी विटनेसेस हैं, यानी जो भी गवाह हैं, वो जो भी गवाही देते हैं उन्हें हम कहते हैं ओरल स्टेटमेंट्स, यानी वो क्या है, वो ओरल एविडेंसेस हैं, ठीक है। तो टेस्टिमनी गिवन बाय विटनेसेस क्या कहलाता है, ओरल स्टेटमेंट्स कहलाता है या ओरल एविडेंस कहलाता है, ठीक है। दूसरा क्या है, डॉक्यूमेंट्स, कोई भी चीज़ जो किसी भी मैनर में राइटिंग में हो वो डॉक्यूमेंट कहलाता है और डॉक्यूमेंट्री एविडेंसेस कहलाता है, ठीक है। और तीसरा है हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स, जैसे सीसीटीवी फुटेज हो गए, टेप रिकॉर्डर्स हो गए, तो ये भी क्या है, एविडेंसेस हैं, ठीक है। चलो अब देखो, कोर्ट केवल और केवल रेलेवेंट फैक्ट्स को ही डिमांड करता है, यानी कोर्ट में आप केवल उन्हीं फैक्ट्स को एज एन एविडेंस लेके आ सकते हो जो रेलेवेंट फैक्ट्स हैं। नाउ ये रेलेवेंट फैक्ट्स क्या होते हैं, देखो कोई भी फैक्ट जो किसी भी मैनर में वेदर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली रिलेटेड विथ फैक्ट इन इशू या मैटर इन इशू, वो कहलाता है हमारा रेलेवेंट फैक्ट, ठीक है। देखो वो कोई भी फैक्ट जो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली किसी भी मैनर में जुड़ा हुआ रहता है किससे, फैक्ट इन इशू से या मैटर इन इशू से, वो कहलाता है रेलेवेंट फैक्ट। और कोर्ट केवल रेलेवेंट फैक्ट्स को ही एक्सेप्ट करता है एज एन एविडेंस। एग्जाम्पल, मान लो ये जो हमारे पास केस था कि ए ने बी के ऊपर एक सूट फाइल किया था, ये कहते हुए कि बी ने मेरे से जो 5000 रुपीस लिया था वो अभी तक रिटर्न नहीं किया। अच्छा, बी अपने स्टेटमेंट के सपोर्ट में एक लेटर शो करता है कोर्ट में, जिस लेटर में ए ने एक्सेप्टेंस दिया रहता है राइटिंग में कि उसने 5000 रुपीस रिसीव कर लिया है इस पर्टिकुलर डेट पर। तो ये क्या है, दिस लेटर इज रेलेवेंट फैक्ट
क्योंकि जो मैटर इन इशू है कि बी ने ए को 5000 रुपीस रिटर्न किया है कि नहीं किया है, उसे क्लियर कर रहा है, उससे जुड़ा हुआ है। तो ये क्या है, ये है रेलेवेंट फैक्ट्स। नाउ अगर मान लो बी इस लेटर के प्लेस पे अपने किसी प्रॉपर्टी का टाइटल डीड शो करता, तो क्या ये एक्सेप्टेबल होता, क्या ये रेलेवेंट होता, क्या हमें इस बात के बारे में जानकारी मिलती कि बी ने ए को पैसे रिटर्न कर दिए थे? नो। और इससे क्या होता, इससे कोर्ट का जो वैल्यूएबल टाइम है वो भी कहीं ना कहीं वेस्ट होता, कोर्ट को जजमेंट डिलीवर करने में परेशानी होती। तो इसलिए कोर्ट केवल और केवल रेलेवेंट फैक्ट्स को ही डिमांड करता है, यानी वो फैक्ट्स जो किसी भी मैटर में मैटर इन इशू या फैक्ट इन इशू से क्या होता है, रिलेटेड होता है डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, उसे हम कहते हैं रेलेवेंट फैक्ट्स। तो कोर्ट केवल और केवल रेलेवेंट फैक्ट्स को ही डिमांड करता है। ठीक है, चलिए अब देखो, तो यानी हम ये कह सकते हैं कि हमारा जो लॉ ऑफ एविडेंस है वो क्या है, एक इंस्ट्रूमेंट है जिसके माध्यम से हम कोर्ट में केवल रेलेवेंट फैक्ट्स को लेकर के आते हैं जो कोर्ट को मदद करते हैं राइटफुल जजमेंट डिलीवर करने में। ठीक है, तो आप कह सकते हो कि लॉ ऑफ एविडेंस इज एन इंस्ट्रूमेंट, ये क्या है, एक इंस्ट्रूमेंट है By means of which, जिसके जरिए only relevant facts, आगे चल के हम डिटेल में समझने वाले हैं relevant facts क्या होता है, fact in issue क्या है, लेकिन अभी basic क्या होता है उसे मैंने आपको समझाया। तो law of evidence एक instrument है by means of which, जिसके जरिए केवल relevant facts are brought बिफोर कोर्ट। क्लियर, चलिए ना देखो, ये जो रेलेवेंट फैक्ट्स हैं वो क्या कहलाएंगे, वो एविडेंस कहलाएंगे। तो ये जो रेलेवेंट फैक्ट्स हैं वो कितने फॉर्म में हो सकते हैं, तो अभी देखो, ये जो रेलेवेंट फैक्ट्स होते हैं वो ओरल एविडेंसेस के फॉर्म में हो सकते हैं, ठीक है, किसी डॉक्यूमेंट के फॉर्म में हो सकते हैं, या किसी भी प्रकार से किसी इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स के फॉर्म में हो सकते हैं। यानी ये सभी चीज़ें क्या हैं, ये सभी चीज़ें एविडेंसेस हैं और ये सभी चीज़ें क्या हैं, रेलेवेंट फैक्ट्स हैं। कोर्ट केवल रेलेवेंट फैक्ट्स को डिमांड करता है और रेलेवेंट फैक्ट्स कोर्ट में तीन फॉर्म में लाए जा सकते हैं, ओरल एविडेंसेस या ओरल स्टेटमेंट्स बाय विटनेसेस, डॉक्यूमेंट्स और इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स। ठीक है, चलिए, तो आई होप एविडेंस क्या है वो आपको समझ में आ गया होगा। अब देखो, अगर हम इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 के कुछ बेसिक बातों को लेकर के चलें, तो ये जो हमारा एक्ट है वो डिवाइड है कुल 11 चैप्टर्स में और इसमें कुल 167 सेक्शंस हैं। अगेन, हमें इन सभी सेक्शंस को नहीं पढ़ना है, हमें उन सभी सेक्शंस को पढ़ना है विथ प्रॉपर नोट्स, एग्जाम्पल्स, केस लॉज, जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या है, इंपॉर्टेंट है, और जहां से रैंडमली क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, चलिए, सबसे पहले देखो, जो हमारा एविडेंस लॉ है वो तीन बेसिक प्रिंसिपल पे काम करता है। एविडेंस लॉ तीन बेसिक प्रिंसिपल्स पे बेस्ड है, कौन कौन से, देखो, सबसे पहला है एविडेंस शुड बी कन्फाइंड टू मैटर इन इशू। पहला कहता है एविडेंस शुड बी कन्फाइंड टू मैटर इन इशू, और दूसरा कहता है एफर्ट्स शुड बी मेड टू bring best evidences, और तीसरा कहता है hearsay evidence is not acceptable,
यानी ये क्या है, ये तीन बेसिक प्रिंसिपल्स हैं जिस पे हमारा एविडेंस लॉ बेस्ड है। पहला कहता है एविडेंस शुड बी कन्फाइंड टू मैटर इन इशू। जो भी एविडेंसेस आप लेकर के आओगे वो मैटर इन इशू से रिलेटेड होना चाहिए, यानी वो मैटर जो इस समय कोर्ट में बना हुआ है जिसे हम फैक्ट इन इशू भी कहते हैं उससे जुड़ा हुआ होना चाहिए। दूसरा कहता है एफर्ट्स शुड बी मेड टू ब्रिंग बेस्ट एविडेंसेस। आपको ये एफर्ट्स लगाना है, आपको मीन्स वॉट एडवोकेट को ये एफर्ट्स लगाना है कि वो बेस्ट एविडेंसेस को लेकर के आए। और तीसरा कहता है हियर से एविडेंस इज नॉट एक्सेप्टेबल। जो हियर से एविडेंस होता है यानी आपने किसी दूसरे पर्सन को कुछ कहते हुए सुना और उसे आपने एज ए कोर्ट में एज एन एविडेंस आपने दे दिया, तो ये जो हियर से एविडेंस है वो एक्सेप्टेबल नहीं है। तो एविडेंस लॉ बेसिकली तीन बेसिक प्रिंसिपल्स पे बेस्ड है, आप नोट कर सकते हो। पहला एविडेंस शुड बी कन्फाइंड टू मैटर इन इशू, दूसरा एफर्ट्स शुड बी मेड टू ब्रिंग बेस्ट एविडेंसेस, और तीसरा हियर से एविडेंस इज नॉट एक्सेप्टेबल। जैसे मान लो ये एक पर्सन है ए, इसने कुछ बातों को सुना किसी दूसरे पर्सन को कहते हुए और इसने सेम चीज़ कोर्ट में आकर बोलता है, ये तो ये क्या है हियर, इसने जो सुना उसने बोला, हियर से एविडेंस। हियर से एविडेंस इज नॉट एक्सेप्टेबल बिकॉज इसके ऑथेंटिसिटी को लेकर के क्वेश्चन रहता है, ठीक है। तो हियर से एविडेंस इज नॉट एक्सेप्टेबल, लेकिन कुछ एक्सेप्शंस हैं जिसे हम समझेंगे जिन कंडीशंस में हियर से एविडेंस को एक्सेप्टेबल माना जाता है, ठीक है। चलिए तो बेसिकली ये हैं आपके तीन बेसिक प्रिंसिपल्स एविडेंस लॉ के। चलिए अब हम एक एक करके इन चैप्टर्स को समझते हैं। तो एविडेंस लॉ बेसिकली तीन प्रिंसिपल्स पे बेस्ड है। अब देखो ये जो हमारा पूरा एविडेंस लॉ है वो तीन पार्ट्स में डिवाइड है। एंटायर एविडेंस लॉ इज डिवाइडेड इनटू थ्री पार्ट्स, पार्ट वन, पार्ट टू और पार्ट थ्री। देखो पार्ट वन बेसिकली रेलेवेंसी ऑफ फैक्ट्स के बारे में बात करता है, रेलेवेंसी ऑफ फैक्ट्स के बारे में बात करता है। पार्ट टू ऑन प्रूफ के बारे में बात करता है, और जो पार्ट थ्री है वो प्रोडक्शन एंड इफेक्ट ऑफ एविडेंसेस के बारे में बात करता है। आइए इसे समझ लेते हैं। तो बेसिकली क्योंकि हमने समझा कि हमारा जो एविडेंस लॉ है वो एक इंस्ट्रूमेंट है जिसके माध्यम से हम कोर्ट में केवल रेलेवेंट फैक्ट्स को ही लाते हैं, तो एविडेंस लॉ का जो पहला पार्ट है वो रेलेवेंसी ऑफ फैक्ट्स को बताता है। यानी इस पर्टिकुलर पार्ट में, दैट इज पार्ट वन, हम ये समझते हैं कि कौन कौन से फैक्ट्स, रेलेवेंट फैक्ट्स कंसीडर किए जाएंगे, ठीक है, ओके। अब ये जो पार्ट टू है जो कि ऑन प्रूफ के हेड में आता है, ये बेसिकली ये बताता है कि हमारे पास जो भी रेलेवेंट फैक्ट्स हैं वो किस फॉर्म में लाए जाएंगे, उनका फॉर्मेट क्या होगा ताकि हम उसे एविडेंस कंसीडर कर सकें। तो बेसिकली पार्ट टू में हम ये समझेंगे कि इन व्हाट फॉर्म दीज रेलेवेंट फैक्ट्स आर ब्रॉट बिफोर द कोर्ट, ठीक है। और ये जो तीसरा पार्ट है जो कि कहता है प्रोडक्शन एंड इफेक्ट ऑफ एविडेंसेस, यहाँ बेसिकली हम ये समझते हैं कि एविडेंसेस को लाने का बर्डन किसके ऊपर है और उन एविडेंसेस का इफेक्ट क्या होगा, उसे हम पार्ट थ्री में समझते हैं। तो पार्ट वन बेसिकली क्या है, रेलेवेंसी ऑफ फैक्ट्स है, और पार्ट टू ये बताता है कि इन व्हाट फॉर्म, किस फॉर्म में दीज रेलेवेंट फैक्ट्स, ये जो रेलेवेंट फैक्ट्स हैं आर ब्रॉट बिफोर कोर्ट, किस मैनर में, किस फॉर्मेट में ये जो रेलेवेंट फैक्ट्स हैं वो कोर्ट में लेकर के आए जाएंगे। और तीसरा जो पार्ट है वो ये कहता है कि इन एविडेंसेस को लाने का बर्डन किसके ऊपर होगा और जो भी एविडेंसेस लाए जाएंगे उनका इफेक्ट क्या होगा, ठीक है। चलिए देखो जो हमारा पार्ट
वन है वो डिवाइड है दो चैप्टर्स में, चैप्टर वन और चैप्टर टू, ठीक है। ये जो हमारा पार्ट टू है जो कि ये कहता है कि ये जो रेलेवेंट फैक्ट्स हैं वो किस फॉर्मेट में लाए जाएंगे, इसमें कितने चैप्टर्स आते हैं, तो चैप्टर 3, 4, 5 एंड 6, ये चार चैप्टर्स पार्ट टू में आते हैं और बचे हुए जो चैप्टर्स हैं वो पार्ट थ्री में आते हैं, दैट इज 7, 8, 9, 10, 11। तो इस तरीके से पूरे 11 चैप्टर्स को इन तीन पार्ट्स में एडजस्ट कर दिया गया है, ठीक है। आइए देखो, ये जो चैप्टर वन है जो कि क्या है, ये बेसिकली प्रीलिमिनरी है और ये स्टार्ट होता है सेक्शन 1 से लेकर 4 तक। चैप्टर 1 प्रीलिमिनरी, सेक्शन 1 से लेकर 4 तक। चैप्टर 2 बेसिकली रेलेवेंसी ऑफ फैक्ट्स के बारे में बात करता है, रेलेवेंसी ऑफ फैक्ट्स के बारे में बात करता है और ये स्टार्ट होता है सेक्शन 5 से लेकर 55 तक। ये जो पर्टिकुलर चैप्टर है विच इज चैप्टर 2 जो कि रेलेवेंसी ऑफ फैक्ट्स के बारे में बात करता है, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर है और ये जो सेक्शंस हैं 5 से लेकर 55 तक ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट सेक्शंस हैं, यहाँ से क्वेश्चंस फ्रिक्वेंटली पूछा जाता है एविडेंस लॉ के पेपर में, ठीक है। ओके, अब हम बात करेंगे पार्ट टू जो कि क्या है, ऑन प्रूफ। लेकिन उससे पहले देखो, यहाँ पे जो हमारा पार्ट वन है जो कि रेलेवेंसी ऑफ फैक्ट्स के बारे में बात करता है और इसके तहत जो चैप्टर वन है विच इज प्रीलिमिनरी, इसका जो सेक्शन 3 है वो क्या है, इंटरप्रिटेशन क्लॉज है, जिसमें हमें एविडेंस लॉ से जुड़े जो भी बेसिक टर्म्स हैं जैसे कोर्ट क्या है, ठीक है, फैक्ट क्या होता है, फैक्ट इन इशू क्या होता है, रेलेवेंट फैक्ट क्या होता है, एविडेंस क्या होता है, इन सभी बेसिक टर्म्स को हम सेक्शन 3 में समझते हैं, ठीक है। आइए, तो रेलेवेंसी ऑफ फैक्ट्स, अब देखो ये जो रेलेवेंसी ऑफ फैक्ट्स हैं वो क्या है, इसका मतलब ये है कि फैक्ट्स, ऐसे फैक्ट्स जो कि क्या है, कनेक्टेड हैं फैक्ट इन इशू से, ऐसे फैक्ट्स जो कि क्या है, कनेक्टेड हैं फैक्ट इन इशू से, उसे हम कहते हैं रेलेवेंट फैक्ट्स या रेलेवेंसी ऑफ फैक्ट्स। जैसे मान लो एक एग्जांपल, अब देखो क्योंकि अगर आपको पता रहेगा कि ये जो फैक्ट्स हैं वो क्या है, रेलेवेंट फैक्ट्स हैं, तो आप उन्हीं फैक्ट्स को कोर्ट में लेकर के आओगे, क्योंकि केवल रेलेवेंट फैक्ट्स ही क्या है, कोर्ट में एक्सेप्टेबल है। तो जो चैप्टर टू है जो रेलेवेंसी ऑफ फैक्ट्स के बारे में बात करता है, हमने जाना कि रेलेवेंट फैक्ट्स या रेलेवेंसी ऑफ फैक्ट्स का मतलब होता है कोई भी एक फैक्ट जो किसी भी मैनर में फैक्ट एंड इशू से जुड़ाव रखता है उसे हम कहते हैं रेलेवेंट फैक्ट्स। जैसे मान लो ए क्या है, एक्यूज है, इसके ऊपर मर्डर का चार्ज लगा है, बी के मर्डर का चार्ज लगा है ए के ऊपर, ठीक है। तो ए इज एक्यूज ऑफ मर्डर ऑफ बी बाय बीटिंग हिम, यानी ए के ऊपर ये आरोप लग रहा है कि उसने बी की हत्या पीट पीट कर दी। नाउ देखो, अब कह रहा है कि वॉट एवर वॉज सेड और डन बाय ए, ठीक, वॉट एवर वॉज सेड और डन बाय बी, ए के द्वारा जो कुछ भी कहा गया या ए के द्वारा जो कुछ भी किया गया आफ्टर एंड बिफोर द ऑफेंस, ठीक है, यानी ये कह रहा है कि ए के द्वारा जो कुछ भी कहा गया ऑफेंस होने से जस्ट पहले, ए के द्वारा जो कुछ भी कहा गया या जो कुछ भी किया गया ऑफेंस के होने से जस्ट बाद, और बी के द्वारा जो कुछ भी कहा गया जो कुछ भी किया गया सून बिफोर एंड आफ्टर
ही हैज मर्डर्ड, ठीक है, उसकी हत्या होने से पहले उसने जो कुछ भी किया या जो कुछ भी किया, जो कुछ भी कहा। साथ ही साथ जो स्टैंडर्ड्स थे, जो बाई स्टैंडर्ड्स थे, मतलब उसके उस अराउंड में, उस क्राइम प्लेस के अराउंड में जो भी लोग थे उनके द्वारा जो कुछ भी ऑब्जर्व किया गया वो सभी क्या कहलाता है, वो सभी रेलेवेंट फैक्ट्स कहलाता है। जैसे मान लो कि ये देखा गया कि ए और बी के बीच पहले क्या हुआ, बहुत ही ज़्यादा झगड़ा हो रहा था, फिर बी गुस्से में आकर के ए को मारता है और ए गुस्से में आके बी को मारने लगता है, जिसकी वजह से बी की हत्या हो जाती है, बी का मर्डर हो जाता है। तो जो कुछ भी ए और बी के द्वारा किया गया, जो कुछ भी ए और बी के द्वारा कहा गया, बिफोर एंड आफ्टर द ऑफेंस, वो सभी क्या होते हैं, वो सभी रेलेवेंट फैक्ट्स या वो सभी रेलेवेंसी ऑफ फैक्ट्स के कैटेगरी में आते हैं। क्लियर है? चलिए, तो ये है बेसिकली आपका पार्ट वन। पार्ट वन में दो चैप्टर्स हैं, चैप्टर वन विच इज प्रीलिमिनरी, जो कि सेक्शन एक से लेकर के चार तक होता है, और चैप्टर टू विच इज रेलेवेंसी ऑफ फैक्ट्स, सेक्शन पांच से लेकर के 55 तक। चलिए अब हम पार्ट टू को देखते हैं। पार्ट टू बेसिकली हमें बताता है कि जो भी रेलेवेंट फैक्ट्स हैं वो किस फॉर्मेट में लाए जा सकते हैं। तो हमने देखा कि जो भी रेलेवेंट फैक्ट्स हैं एज एन एविडेंस, वो ओरल स्टेटमेंट्स, रिटन स्टेटमेंट्स और इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स के फॉर्म में लाए जा सकते हैं। तो बेसिकली पार्ट टू में हम ये बात करते हैं इन विच फॉर्म रेलेवेंट फैक्ट्स is to be brought before court, ठीक है, ओके। तो इसमें देखो कौन कौन से चैप्टर्स हैं और कौन कौन से सेक्शंस हैं। सबसे पहला आपका चैप्टर 3, फिर आपका चैप्टर 4, चैप्टर 5 एंड चैप्टर 6। चैप्टर 3 बेसिकली बात करता है फैक्ट्स विच नीड नॉट बी प्रूव्ड, और ये स्टार्ट होता है सेक्शन 56 से लेकर के 58 तक। फिर दूसरा हमारा ओरल एविडेंसेस 59 से लेकर के 60 तक। फिर हमारा डॉक्यूमेंट्री एविडेंसेस 61 से लेकर के 90 तक। और फिर हमारा जो चैप्टर 6 है उसमें है हमारा एक्सक्लूजन ऑफ ओरल इन प्लेस ऑफ डॉक्यूमेंट्री एविडेंसेस। और ये जो सेक्शंस हैं वो है सेक्शन 91 से लेकर के 100 तक, ठीक है, ओके। देखो तो सबसे पहला जो चैप्टर 3 है वो क्या कहता है, वो कहता है फैक्ट्स विच नीड नॉट बी प्रूव्ड। अब ये कहता है देखो कुछ ऐसे भी फैक्ट्स हैं जिन्हें प्रूव करने के लिए हमें फर्दर एविडेंसेस नहीं लाने पड़ते हैं, जो कि क्या होते हैं, जो कि जुडिशियल नोटिस होते हैं, जिन्हें कोर्ट जुडिशियल नोटिस करता है, उन फैक्ट्स को कोर्ट में प्रूफ करने के लिए फर्दर एविडेंसेस की आवश्यकता नहीं होती है, क्योंकि वो फैक्ट्स क्या होते हैं, जुडिशियल नोटिस होते हैं। एग्जांपल के लिए देखो हमारे पास एक केस था, जयशंकर प्रसाद वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार। देखो इस केस में कोर्ट ने ये कहा
कि देखो जो ब्लाइंडनेस है वो क्या है, वो किसी भी प्रकार का फिजिकल इन्फॉर्मिटी नहीं है, वो शारीरिक कमजोरी नहीं है। ब्लाइंड पर्सन भी क्या है, ब्लाइंड पर्सन भी कैपेबल हैं कि वो लाइफ में सक्सेस को अचीव कर सकते हैं, न्यू डिस्टिंक्शंस को अचीव कर सकते हैं। तो ब्लाइंडनेस किसी प्रकार का फिजिकल इन्फॉर्मिटी नहीं है, ब्लाइंड पर्सन भी बहुत कुछ कर सकता है अपने लाइफ में। तो ये क्या है, ये जुडिशियल नोटिस है कि ब्लाइंड पर्सन ऑल्सो हैविंग द पोटेंशियल टू अचीव सक्सेस एंड टू डू लार्जर इन हिज लाइफ। तो ये क्या है, जुडिशियल नोटिस है। क्या इसे प्रूफ करने के लिए हमें फर्दर एविडेंसेस लाने हैं कि ब्लाइंड पर्सन है ये कुछ भी नहीं कर सकता है? नो। तो ऐसे फैक्ट्स जिनका कोर्ट जुडिशियल नोटिस लेता है उन फैक्ट्स को प्रूफ करने के लिए फर्दर एविडेंसेस की आवश्यकता नहीं होती है। जैसे ये क्या है, ये आपका ब्लैक बोर्ड, क्या ये ब्लैक बोर्ड है या नहीं है इसे प्रूफ करने के लिए हमें कोई फर्दर एविडेंसेस लाने होंगे? नो। इट इज़ वॉट, इट इज़ जुडिशियल नोटिस। दिस इज चौक, ये क्या है, चौक है। क्या हमें इसे प्रूफ करने के लिए कि ये चौक है या नहीं है कोई अदर एविडेंसेस लाने हैं? नहीं। तो ऐसे फैक्ट्स जिनका कोर्ट जुडिशियल नोटिस रखता है या जुडिशियल नोटिस लेता है उन फैक्ट्स को प्रूफ करने के लिए फर्दर एविडेंसेस की आवश्यकता नहीं होती है, उन्हें हम कहते हैं जुडिशियल नोटिस फैक्ट्स। ठीक है, तो सिंपल जो हमारा चैप्टर 3 है वो क्या कहता है, वो कहता है फैक्ट्स विच नीड नॉट बी प्रूव्ड। कौन कौन से ऐसे फैक्ट्स हो सकते हैं जिन्हें प्रूफ करने के लिए हमें एविडेंसेस नहीं लाना है, तो इसके बारे में हम सेक्शन 56, 57 और 58 ये तीन सेक्शंस को पढ़ेंगे। ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या है, इंपॉर्टेंट है। अब देखो दूसरा क्या है, दूसरा आपका चैप्टर 4 क्या है, ओरल एविडेंसेस। और सेक्शंस क्या क्या है, सेक्शन 59 से लेकर के 60 तक। चैप्टर 5 क्या है, डॉक्यूमेंट्री एविडेंसेस। देखो कोई भी एविडेंस जो किसी भी मैनर में राइटिंग में होता है उसे हम कहते हैं डॉक्यूमेंट्री एविडेंसेस। इसमें हम बेसिकली बात करेंगे कि प्राइमरी एविडेंस क्या है, सेकेंडरी एविडेंस क्या है, प्राइवेट डॉक्यूमेंट क्या होता है, पब्लिक डॉक्यूमेंट क्या होता है, एक्सेट्रा। और इसके सेक्शंस क्या क्या है, सेक्शन 61 से लेकर के 90 तक। अगेन सारे सेक्शंस इंपॉर्टेंट नहीं है, यहाँ से इस पर्टिकुलर चैप्टर से विच इज चैप्टर 5 जो कि डॉक्यूमेंट्री एविडेंस के बारे में बात करता है, यहाँ केवल प्राइमरी एविडेंस क्या है, सेकेंडरी एविडेंस क्या है, पब्लिक डॉक्यूमेंट क्या होता है, ये 3-4 पॉइंट्स क्या है, इंपॉर्टेंट है जिन्हें हम पढ़ने वाले हैं। चैप्टर 6 बेसिकली बात करता है एक्सक्लूजन ऑफ ओरल इन प्लेस ऑफ डॉक्यूमेंट्री एविडेंसेस, सेक्शन 91 से लेकर के 100 तक। यानी यहाँ पे ये कहा गया है कि अगर आपके पास डॉक्यूमेंट्री एविडेंसेस अवेलेबल हैं तो आप सबसे पहले एफर्ट्स लगाओ कि आप उन डॉक्यूमेंट्री एविडेंसेस को लेकर के आओगे। क्योंकि देखो हमने एविडेंस लॉ को पढ़ते समय ये समझा था कि हमारा जो एविडेंस लॉ है वो 3 बेसिक प्रिंसिपल्स पे बेस्ड है, जिसमें से जो दूसरा बेसिक प्रिंसिपल था वो यही था कि हमें एफर्ट्स लगाने हैं कि हमें कोर्ट में बेस्ट पॉसिबल एविडेंसेस को लेकर के आने हैं। तो अगर आपके पास डॉक्यूमेंट्री एविडेंस अवेलेबल है तो आप डॉक्यूमेंट्री एविडेंसेस को लेकर के आओ, क्योंकि वो ज़्यादा क्या है, ऑथेंटिकेटेड है, वो ज़्यादा कह सकते हो कि वैल्यूएबल है, उसकी ज़्यादा वैल्यू है। ठीक है, ओके। तो ये जो पर्टिकुलर चैप्टर है विच इज़ चैप्टर 6 जो कि बात करता है एक्सक्लूजन ऑफ ओरल इन प्लेस ऑफ डॉक्यूमेंट्री एविडेंसेस, ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से नॉट एट ऑल इम्पॉर्टेंट। ठीक है, तो इसे हम नहीं पढ़ेंगे। चलिए अब यहां से हम एंटर कर जाते हैं पार्ट 3 ऑफ एविडेंस लॉ। ये बैकग्राउंड में आपको नॉइज आता हो तो प्लीज आप उसे इग्नोर करें, इसलिए तो मैं छत पे आके बना रहा हूँ वीडियो ताकि शोर कम है, लेकिन फिर भी यहां पे आ जा रहे हैं, इसके लिए सॉरी। देखो तो अब हम बात करते हैं पार्ट 3 जो कि बेसिकली बात करता है प्रोडक्शन एंड इफेक्ट ऑफ एविडेंसेस, और इसमें कौन कौन से चैप्टर्स हैं, देखो चैप्टर 7, चैप्टर 8, 9, 10 और चैप्टर 11। क्लियर, चलिए
चैप्टर 7 बेसिकली बात करता है बर्डन ऑफ प्रूफ के बारे में, बर्डन ऑफ प्रूफ, और ये स्टार्ट होता है सेक्शन 101 से लेकर के 114 तक। देखो चैप्टर 7 बर्डन ऑफ प्रूफ के बारे में बात करता है, क्योंकि देखो ये जो हमारा पार्ट है पार्ट 3, जिसमें यही बताया गया है प्रोडक्शन एंड इफेक्ट ऑफ एविडेंसेस, कौन एविडेंसेस को प्रोड्यूस करेगा और वो जो एविडेंसेस प्रोड्यूस किए जा रहे हैं उनका इफेक्ट क्या होगा। तो पार्ट 3 विच इज़ बेसिकली प्रोडक्शन ऑफ एविडेंसेस एंड इट्स इफेक्ट इन द कोर्ट, उसके बारे में बात करता है। तो चैप्टर 7 में बेसिकली हम बात करते हैं बर्डन ऑफ प्रूफ, प्रूफ करने का जो बर्डन है वो किसके ऊपर रहेगा। देखो बर्डन ऑफ प्रूफ का मतलब क्या है, देखो व्हेनेवर अ पर्सन इज बाउंड, जब कभी भी एक पर्सन क्या होता है बाउंड होता है, टू प्रूफ द एग्जिस्टेंस एंड नॉन एग्जिस्टेंस ऑफ अ सर्टेन थिंग, जब कभी भी एक पर्सन बाउंड होता है कि वो किसी फैक्ट के एग्जिस्टेंस या नॉन एग्जिस्टेंस को प्रूफ करे, तो उसका जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है टू प्रूफ द एग्जिस्टेंस एंड नॉन एग्जिस्टेंस ऑफ दैट थिंग नोन एज बर्डन ऑफ प्रूफ। क्या कहा गया, ये कहा गया कि जब कभी भी एक पर्सन क्या होता है बाउंड होता है किसी भी फैक्ट के एग्जिस्टेंस या नॉन एग्जिस्टेंस को प्रूफ करने के लिए, ठीक है, जब कभी भी एक पर्सन बाउंड होता है किसी भी फैक्ट के एग्जिस्टेंस और नॉन एग्जिस्टेंस को प्रूफ करने के लिए, तो उसका ये जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो कहलाता है बर्डन ऑफ प्रूफ, ठीक है। अब यहां पे क्या होता है, देखो बर्डन ऑफ प्रूफ उसी के ऊपर लाई करता है जो ये चाहता है कि जो कोर्ट है वो उसके फैक्ट्स पे बिलीव करे और उसके जजमेंट, उसके फेवर में जजमेंट दे। यानी जब कभी भी कोई पर्सन कोर्ट से ये चाहता है कि कोर्ट उसके फेवर में जजमेंट दे, तो बर्डन ऑफ प्रूफ उसके ऊपर लाई करता है, ठीक है। जैसे मान लो एक एग्जांपल, बर्डन ऑफ प्रूफ सेक्शन 101 से लेकर के 114 तक। अब मान लो ए प्रोसिक्यूट करता है बी, यानी ए जो है बी के ऊपर ये आरोप लगाता है कि बी ने, बी हैज कमिटेड मर्डर ऑफ सी, बी ने ही सी की हत्या की है। तो सबसे पहले तो ए को ये प्रूफ करना है कि सी की हत्या हो चुकी है, ठीक है, ओके। और दूसरा ए को ये प्रूफ करना है कि सी का जो मर्डर है वो बी ने ही किया है, क्यों, क्योंकि ए चाहता है कोर्ट से कि जो कोर्ट है वो उसकी बातों पर रिलाई करे और जजमेंट उसके फेवर में दे। तो जो कोई भी पर्सन कोर्ट से ये चाहता है कि कोर्ट उसके फेवर में जजमेंट दे, तो वो कहलाता है बर्डन ऑफ प्रूफ, और जो बर्डन ऑफ प्रूफ है वो उसी पर्टिकुलर पर्सन के ऊपर क्या होता है लाई करता है, ठीक है। तो बर्डन ऑफ प्रूफ अगेन इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है और यहाँ से कई बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो हम बर्डन ऑफ प्रूफ को भी प्रॉपर एग्जाम्पल्स केस लॉज एंड नोट्स के साथ समझेंगे। तो बर्डन ऑफ प्रूफ सेक्शन 101 से लेकर के 114 तक, आई होप बर्डन ऑफ प्रूफ क्या है वो आपको समझ में आ गया होगा। चैप्टर 8 बेसिकली स्टॉपल के बारे में बात करता है, और ये जो सेक्शन है वो है सेक्शन 115 से लेकर के 117 तक, तो ये भी इम्पॉर्टेंट है, ये भी इम्पॉर्टेंट है, ठीक है, ओके। देखो स्टॉपल का मतलब क्या होता है, स्टॉपल का मतलब होता है टू स्टॉप समवन, टू स्टॉप समवन, ये लॉ ऑफ एविडेंस का एक डॉक्ट्रिन है, एक सिद्धांत है। डॉक्ट्रिन ऑफ स्टॉपल ये क्या है, लॉ ऑफ एविडेंस का एक डॉक्ट्रिन है, विच प्रोहिबिट्स अ पर्सन, जो एक पर्सन को प्रोहिबिट करता है फ्रॉम गिविंग फॉल्स एविडेंसेस, ठीक है। तो एक ऐसा डॉक्ट्रिन जो एक पर्सन को प्रोहिबिट करता हो टू मेक फॉल्स रिप्रेजेंटेशंस, टू गिव फॉल्स एविडेंसेस, वो कहलाता है डॉक्ट्रिन ऑफ स्टॉपल। जैसे मान लो एक एग्जाम्पल है, ए इंटेंशनली और फॉल्सली लीड्स बी, देखो ए इंटेंशनली और फॉल्सली बी को ये विश्वास दिलाता है कि ये जो पर्टिकुलर पीस ऑफ लैंड है ये ए को बिलोंग करता है, और ए इस पर्टिकुलर लैंड को यूज नहीं कर सकता किसी भी मैनर में,
ठीक है, क्योंकि सपोज करो कि उसके पास टाइम नहीं है या उसे एग्रीकल्चर नहीं आता है, यानी ए ये कहता है कि ये जो पर्टिकुलर पीस ऑफ लैंड है वो अब किसी भी मैनर में ए के काम के लिए नहीं है, तो ए बी को इंड्यूस करता है कि बी जो है वो इस पर्टिकुलर लैंड को परचेज कर ले एट अ मिनिमम कॉस्ट। बी क्या करता है, बी इस लैंड को परचेज कर लेता है। तो यानी आप देखो कि अब देखो कल को अगर कोर्ट में ए ये कहता है कि ये जो लैंड है वो उसकी तो है ही नहीं क्योंकि उसके पास प्रॉपर्टी का पेपर नहीं है, तो ये कहता है कि उस कंडीशन में यानी इन अ केस और इन अ प्रोसीडिंग ए कैन नॉट डिनाई, ए डिनाई नहीं कर सकता है कि ये जो लैंड है वो ए को बिलोंग नहीं करता है। यही है डॉक्ट्रिन ऑफ स्टॉपल, यानी वो सिद्धांत लॉ ऑफ एविडेंस का वो सिद्धांत जो एक पर्सन को प्रोहिबिट करता है फ्रॉम मेकिंग फॉल्स एविडेंसेस, नोन एज डॉक्ट्रिन ऑफ स्टॉपल। अगेन ये क्या है, एक इंपॉर्टेंट डॉक्ट्रिन है, यहाँ से क्वेश्चन आते हैं। तो चैप्टर 8 विच इज डॉक्ट्रिन ऑफ स्टॉपल, जो कि सेक्शन 115 से लेकर 117 तक है, इसे हम पढ़ेंगे, ठीक है, ओके। अब देखो चैप्टर 9 बात करता है विटनेसेस के बारे में, और यहाँ हम ये समझते हैं, और ये जो सेक्शन है वो है सेक्शन 118 से लेकर 134 तक। तो चैप्टर 9 विच इज विटनेसेस, यहाँ पे हम ये समझेंगे कि हु मे बी अ कॉम्पिटेंट विटनेस, कौन एक कॉम्पिटेंट विटनेस हो सकता है, विटनेस कौन होता है, कौन एक कॉम्पिटेंट विटनेस हो सकता है, कौन नॉन कॉम्पिटेंट विटनेस कहलाता है, क्या एक चाइल्ड विटनेस हो सकता है, क्या एक चाइल्ड विटनेस हो सकता है, क्या एक लुनाटिक पर्सन यानी एक पागल पर्सन भी विटनेस के तौर पे गवाही दे सकता है, क्या एकम्प्लिस यानी जो सह अपराधी है क्या वो विटनेस के तौर पे गवाही दे सकता है अपने को एक्यूज के खिलाफ, ठीक है, यानी कोई ऑफेंस था जिसमें दो पर्सन का इन्वॉल्वमेंट था, तो क्या एक पर्सन जो उस क्राइम में इन्वॉल्व था किसी भी मैनर में वो अपने दूसरे क्राइम पार्टनर के खिलाफ कोर्ट में गवाही दे सकता है, इसके बारे में भी बात करेंगे, ठीक है। तो एकम्प्लिस से क्वेश्चन यहाँ पे आता है कि क्या एकम्प्लिस यानी जो सह अपराधी है वो कोर्ट में गवाही दे सकता है अपने को एक्यूज के खिलाफ, ठीक है। तो एकम्प्लिस को भी हम अच्छे समझेंगे प्रॉपर एग्जाम्पल केस लॉस के थ्रू। एकम्प्लिस का सेक्शन अगर आप नोट करना चाहो तो नोट कर सकते हो, सेक्शन 133 एकम्प्लिस के बारे में बात करता है, चाइल्ड विटनेस, लुनाटिक पर्सन। तो ओवरऑल ये जो चैप्टर 9 है इसमें हम इसी बात पे फोकस करते हैं कि कौन पर्सन विटनेस हो सकता है, कौन पर्सन विटनेस नहीं हो सकता है, क्लियर है, सेक्शन 118 से लेकर के 134 तक, क्लियर। चैप्टर 10 बेसिकली क्या है, एग्जामिनेशन ऑफ विटनेसेस है, और ये स्टार्ट होता है सेक्शन 134 से लेकर के 166 तक, ठीक है। तो चैप्टर 10 अगेन ये भी क्या इंपॉर्टेंट है, इसमें हम एग्जामिनेशन ऑफ विटनेसेस के बारे में बात करते हैं, जिसमें हम ये समझेंगे कि एक विटनेस का एग्जामिनेशन कितने वेज में या कितने स्टेप्स में हो सकते हैं, इसमें हम डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ एग्जामिनेशन ऑफ विटनेसेस के बारे में बात करेंगे, एग्जामिनेशन इन चीफ, री एग्जामिनेशन, क्रॉस एग्जामिनेशन। नाउ व्हाई देयर इज नीड टू एग्जामिन द विटनेस, एग्जामिन यानी विटनेस को एग्जामिन करने के पीछे का कारण क्या है। देखो विटनेस जो भी चीज़ों को बोल रहा है वो किस हद तक सही है, क्या कोर्ट को उसके स्टेटमेंट पे विश्वास करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, इस बात को प्रूफ करने के लिए यानी विटनेस के स्टेटमेंट के वेरोसिटी को चेक करने के लिए एग्जामिनेशन ऑफ विटनेसेस किया जाता है, ठीक है। आप जानते हो कि हमारा जो कोर्ट है वो स्ट्रिक्ट प्रोसीजर ऑफ लॉ को फॉलो करता है, दोनों पार्टीज को बराबर अपॉर्चुनिटीज दिया जाता है कि वो फैक्ट्स और एविडेंसेस को लेकर के आए। एग्जामिनेशन ऑफ विटनेसेस होता है इस चीज़ को प्रूव करने के लिए कि जो विटनेस है, जो गवाह है, वो जो कुछ भी कोर्ट में बोल रहा है वो किस हद तक या कितना सही है, क्या कोर्ट उसकी बातों पे रिलाई कर सकता है कि नहीं कर सकता है। तो ये सभी चीज़ें हम एग्जामिनेशन ऑफ विटनेसेस के बारे में बात करेंगे चैप्टर 10 के तहत, जो कि सेक्शन 134 से लेकर के 166 तक है, ये भी क्या है, मोस्ट इंपॉर्टेंट सेक्शन है। और लास्ट में जो है चैप्टर 11 विच इज इम्प्रॉपर एडमिशन,
इम्प्रॉपर एडमिशन एंड रिजेक्शन ऑफ एविडेंसेस। ये है सेक्शन 167 जो कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या है, इम्पॉर्टेंट नहीं है। यानी जो चैप्टर 3 है प्रोडक्शन एंड इफेक्ट ऑफ एविडेंसेस, इसमें चैप्टर 7 मोस्ट इम्पॉर्टेंट, चैप्टर 8 मोस्ट इम्पॉर्टेंट, 9 एंड 10 ये जो चार चैप्टर्स हैं वो क्या है, इम्पॉर्टेंट है। चैप्टर 11 इज नॉट एट ऑल इम्पॉर्टेंट। ठीक है, तो देखो ये था आपका एविडेंस लॉ का बेसिक स्ट्रक्चर। इसे आप अपने कॉपी में एक जगह पे नोट कर लो, इस पूरे चार्ट को बना लो, ताकि आप बार बार जब देखोगे तो आपको सेक्शन याद रहेंगे, चैप्टर्स याद रहेंगे। अब देखो जो चैप्टर 2 है बेसिकली, जो कि क्या है, रेलेवेंसी ऑफ फैक्ट्स के बारे में बात करता है, जिसमें हमने देखा था कि ये स्टार्ट होता है सेक्शन 5 से लेकर के 55 तक। ये पूरे एविडेंस लॉ का सबसे बड़ा चैप्टर है, क्योंकि आप देखो यहाँ पे 50 सेक्शंस हैं। अगेन, क्या हम उन 50 सेक्शंस को पढ़ेंगे? नहीं। देखो जो हमारा एविडेंस लॉ है और उसका जो चैप्टर 2 है, अगर उसे हम लेकर के चले तो ये क्या है, मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है। चैप्टर 2 बेसिकली आप जानते हो कि रेलेवेंसी ऑफ फैक्ट्स के बारे में बात करता है, रेलेवेंसी ऑफ फैक्ट्स के बारे में बात करता है, और ये स्टार्ट होता है सेक्शन 5 से लेकर के 55 तक। अगर आप ध्यान से देखोगे बेयर एक्ट में, तो ये जो पर्टिकुलर चैप्टर है चैप्टर 2, ये 8 कैटेगरीज में डिवाइड है। यानी ये जो सेक्शंस हैं सेक्शन 5 से लेकर के 55 तक, उसमें किन किन बातों पे फोकस किया गया है उसे हम समझ लेते हैं, उन 8 कैटेगरीज को हम समझ लेते हैं। चलिए, सबसे पहला है आपका रेलेवेंसी ऑफ फैक्ट्स। रेलेवेंसी ऑफ फैक्ट्स, कौन कौन से फैक्ट्स रेलेवेंट हैं उन्हें हम समझते हैं सेक्शन 5 से लेकर के सेक्शन 16 तक। ठीक है, ठीक है, तो रेलेवेंसी ऑफ फैक्ट्स भी, ये जो चैप्टर है रेलेवेंसी ऑफ फैक्ट्स, ये डिवाइड है 8 कैटेगरीज में। ठीक है, तो जो कैटेगरी 1 है वो रेलेवेंसी ऑफ फैक्ट्स के बारे में बात करता है सेक्शन 5 से लेकर के 16 तक, और जो दूसरा कैटेगरी है वो क्या है, एडमिशन कैटेगरी है। ठीक है, देखो ये सभी चीजें हम एकदम डिटेल में समझने वाले हैं, अभी हम केवल बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ एविडेंस के बारे में बात कर रहे हैं, ताकि आपको ये समझ में आए कि जो एविडेंस लॉ है उसमें हमें किन किन चीज़ों को पढ़ना है, किन किन चीज़ों को स्किप करना है। ठीक है, तो जो दूसरा कैटेगरी है वो है एडमिशन का, और ये है सेक्शन 17 से लेकर के 31 तक। एडमिशन में ही आपका आता है कन्फेशन 24 से लेकर के 31 तक। यानी हम ये कह सकते हैं कि 17 से लेकर के 23 तक आपके एडमिशन्स के सेक्शंस हैं, 17 से लेकर के 23 तक एडमिशन के सेक्शन हैं, और 24 से लेकर 31 तक क्या है, कन्फेशन के सेक्शन हैं। यहाँ पे हम ये समझेंगे कि एडमिशन क्या है, कन्फेशन क्या है, और एडमिशन और कन्फेशन के बीच क्या डिफरेंस है, तो ये बात की बात है। चलो, तीसरा कैटेगरी है आपका स्टेटमेंट बाय पर्सन। स्टेटमेंट बाय पर्सन Who cannot be called as witness? Who cannot be called as witness? सेक्शन 32 से लेकर के 35 तक। ठीक है, तो ये जो तीसरा कैटेगरी है स्टेटमेंट बाय पर्सन्स हु कैनॉट बी कॉल्ड एज विटनेस, सेक्शन 32 से लेकर के 35 तक, यहां बेसिकली हम डाइंग डिक्लेरेशन के बारे में बात करते हैं। डाइंग डिक्लेरेशन, डाइंग डिक्लेरेशन भी क्या होता है, एक रेलेवेंट फैक्ट होता है। अगर कोई पर्सन मरते टाइम कोई बात कहता है और वो बात कहने के बाद वो मर जाता है, तो उसके द्वारा जो कुछ भी कहा गया जिसके भी खिलाफ, वो एक एविडेंस के तौर पे काम करेगा, क्योंकि ये माना जाता है कि जो डाइंग पर्सन होता है वो कभी भी झूठ नहीं बोलता है, वो कभी भी अपने मेकर से, अपने माउथ में फॉल्स या आप कह सकते हो कि झूठा चीज़ लेके नहीं जाना चाहता है। ठीक है, तो ये कहता है कि अगर कोई पर्सन कोई भी चीज़ डिक्लेयर करता है और उसके बाद वो मर जाता है, तो उसके उस स्टेटमेंट को हम कहेंगे डाइंग डिक्लेरेशन, और वो क्या होगा, एविडेंस के तौर पे होगा इन द कोर्ट ऑफ जस्टिस। ठीक है, तो डाइंग डिक्लेरेशन को भी हम अच्छे समझेंगे विद प्रॉपर केस लॉज, राइट। और जो चौथा कैटेगरी है वो है आपका स्टेटमेंट मेड अंडर स्पेशल सर्कमस्टांसेस। यहाँ से देखो क्वेश्चन आते हैं आपके डाइंग डिक्लेरेशन से, चौथा
कहता है स्टेटमेंट मेड अंडर स्पेशल सर्कमस्टांसेस, स्टेटमेंट मेड अंडर स्पेशल सर्कमस्टांसेस। अगर किसी स्पेशल सर्कमस्टांसेस में, किसी स्पेशल कंडीशन में जो स्टेटमेंट दिए गए हैं वो किस हद तक रेलेवेंट माने जाएंगे उसे हम समझेंगे सेक्शन 34 से लेकर 38 तक। ये इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है, ओके, आगे आइए। पांचवा आपका कैटेगरी है हाउ मच ऑफ स्टेटमेंट इज प्रूव्ड, ठीक है। ये है आपका सेक्शन 39, यानी यहाँ पे हम ये समझेंगे कि मान लो आपके पास कोई डॉक्यूमेंट है, वो वॉल्यूमिनस है, वो मोटा है, तो हम कितने पार्ट ऑफ दैट डॉक्यूमेंट को एज ए कोर्ट में एज एन एविडेंस लेकर के आएंगे ताकि हमें उस पूरे स्टेटमेंट का जो ब्रीफ है वो समझ में आ जाए, ताकि कोर्ट का जो वैल्यूबल टाइम है वो बचे, ठीक है। तो अगेन इट इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट। फिर छठा है हमारा जजमेंट ऑफ कोर्ट ऑफ जस्टिस व्हेन रेलेवेंट, जजमेंट ऑफ कोर्ट ऑफ जस्टिस, जजमेंट ऑफ कोर्ट ऑफ जस्टिस व्हेन रेलेवेंट, तब कोर्ट का जो जजमेंट है वो रेलेवेंट होगा। सेक्शन 40 से लेकर के सेक्शन 44 तक, इसमें ये क्या है, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। इसमें हम जजमेंट इन रेम क्या होता है, जजमेंट इन परशुनम क्या होता है, इन दो टॉपिक्स को पढ़ेंगे, ठीक है। सातवां है आपका ओपिनियन ऑफ थर्ड पर्सन व्हेन रेलेवेंट, ठीक है। तो मैं इसे रब कर दे रहा हूँ भाई, ये आप नोट कर लो। सातवां क्या है आपका, सातवां जो आपका कैटेगरी है वो है ओपिनियन ऑफ थर्ड पर्सन व्हेन रेलेवेंट, ओपिनियन ऑफ थर्ड पर्सन व्हेन रेलेवेंट। सेक्शन 45 से लेकर के 51 तक, तब किसी थर्ड पर्सन का ओपिनियन कोर्ट में रेलेवेंट होता है, एक्सपर्ट ओपिनियन क्या होता है, ठीक है। इन सभी पॉइंट्स के बारे में हम इस पर्टिकुलर सेक्शन में पढ़ेंगे, सेक्शन 45 से लेकर के सेक्शन 51, जो कि बात करता है ओपिनियन ऑफ थर्ड पर्सन व्हेन रेलेवेंट, ये इंपॉर्टेंट है। और लास्ट है हमारा कैरेक्टर व्हेन रेलेवेंट, कैरेक्टर व्हेन रेलेवेंट। सेक्शन 52 से लेकर के 55 तक, यहाँ हम ये समझेंगे कि जो अक्यूज्ड है उसका कैरेक्टर क्या उसे उसकी सज़ा को कम कर सकता है, क्या जो एक्यूज्ड है उसका कैरेक्टर सिविल केसेस में रेलेवेंट होता है, क्या एक्यूज्ड का जो कैरेक्टर है वो क्रिमिनल केसेस में रेलेवेंट होता है। तो आप जानते हो कि जो एक्यूज्ड है, जो गिल्ट पर्सन है, उसका जो कैरेक्टर है वो रेलेवेंट माना जाता है, कहाँ, क्रिमिनल केसेस में। यानी अगर कोई फर्स्ट टाइम ऑफेंडर है उसका जो कैरेक्टर है वो गुड कैरेक्टर है, ठीक है। तो अगर वो फर्स्ट टाइम ऑफेंडर है और अगर उसने कोई क्राइम कमिट किया है तो उसकी सज़ा को बहुत हद तक कम किया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो है आपका कैरेक्टर व्हेन रेलेवेंट, यहाँ हम यही समझेंगे कि कब किसी एक्यूज्ड का जो कैरेक्टर है सिविल केसेस में क्या वो रेलेवेंट होता है, एक्यूज्ड का जो कैरेक्टर है क्रिमिनल केसेस में क्या रेलेवेंट होता है उसकी सज़ा को कम करने के लिए। यानी अगर एक्यूज्ड जो है वो गुड कैरेक्टर का है या बैड कैरेक्टर का है तो क्या इसका कोई इम्पैक्ट पड़ेगा जुडिशियल प्रोसीडिंग्स में उसके खिलाफ या उसके उसके फेवर में। यानी क्या कैरेक्टर ऑफ गिल्ट पर्सन अफेक्ट द जुडिशियल प्रोसीडिंग्स इन सिविल केसेस और नॉट, इसके बारे में हम बात करते हैं कैरेक्टर व्हेन रेलेवेंट सेक्शन 52 से लेकर के 55 तक, ये क्या इंपॉर्टेंट है। तो देखो, अगर आपने नोट किया होगा तो हमने ये जाना, अगर हम सारी चीज़ों को कंक्लूड करें तो जो एविडेंस लॉ है वो एक इंस्ट्रूमेंट है जिसके माध्यम से हम केवल रेलेवेंट फैक्ट्स को लेकर के आते हैं कोर्ट में, क्योंकि हम जानते हैं कि जो कोर्ट है वो केवल रेलेवेंट फैक्ट्स को ही डिमांड करता है, क्योंकि कोर्ट का जो टाइम है वो कैप्रिशियस है। और अगर आप उन सभी फैक्ट्स को लेकर के आते हो जो किसी भी मैनर में फैक्ट एंड इशू से रिलेटेड नहीं है तो क्या कोर्ट राइटफुल जजमेंट डिलीवर कर पाएगा? नो। इसलिए हम कोर्ट ऑफ जस्टिस में केवल रेलेवेंट फैक्ट्स को ही लेकर के आते हैं। हमारा जो एविडेंस लॉ है वो तीन पार्ट्स में डिवाइड है,
पार्ट वन बेसिकली रेलेवेंसी ऑफ फैक्ट्स के बारे में बात करता है, पार्ट टू ऑन प्रूफ के बारे में बात करता है, जहाँ हम ये समझते हैं कि हमारे पास जो रेलेवेंट फैक्ट्स हैं वो किस फॉर्मेट में लेकर के आ जाएंगे, ओरल फॉर्मेट में, रिटन फॉर्मेट में, ठीक है, ओके। और जो हमारा पार्ट थ्री है वहाँ पे प्रोडक्शन एंड इफेक्ट ऑफ एविडेंसेस के बारे में हम बात करते हैं, यानी एविडेंसेस को लाने का जो बर्डन है वो किसके ऊपर होगा और उन एविडेंसेस का इफेक्ट क्या होगा, उसे हम पार्ट थ्री में समझते हैं। और हमने ये भी जाना कि जो हमारा एविडेंस लॉ है वो तीन वर्किंग प्रिंसिपल्स पे बेस्ड है। पहला कहता है कि हमें केवल उन्हीं एविडेंसेस को लाने हैं जो मैटर इन इशू से क्या है, जुड़ाव रखते हैं, रिलेटेड हैं। और दूसरा कहता है कि हमें बेस्ट एविडेंसेस को लाने हैं सबसे पहले। और तीसरा कहता है हियर से एविडेंस, आपने किसी पर्सन को कोई चीज़ कहते हुए सुना और आप उस चीज़ को कोर्ट में ला करके बोलते हो तो वो एडमिसिबल नहीं है, हियर से एविडेंस इज़ नॉट एन एविडेंस, ठीक है। और फिर हमने देखा कि कैसे ये जो 11 चैप्टर्स हैं वो इन तीन पार्ट्स में एडजस्ट किए गए हैं। साथ ही साथ हमने इस बात पे भी फोकस किया कि एविडेंस लॉ में कौन कौन से चैप्टर्स इंपॉर्टेंट हैं, किस पे हमें ज़्यादा फोकस करना है और किन किन चैप्टर्स को स्किप करना है। तो आई होप कि ये जो वीडियो है जिसमें हमने बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ एविडेंस लॉ के बारे में बात किया वो आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियोस को लाइक करिए और इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जिसमें हम बात करेंगे कि एविडेंस क्या है, सेक्शन 3 किस तरह से एविडेंस को डिफाइन करता है, केस लॉज को हम देखेंगे, साथ ही साथ हम डिफरेंट काइंड्स ऑफ एविडेंसेस के बारे में बात करेंगे। ये जो आपका एविडेंस लॉ का जो वीडियो होगा वो क्वेश्चन आंसर के फॉर्मेट में होगा, उन क्वेश्चंस को मैं यहाँ पे कराऊंगा जो कि क्या है, एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। और अगर आप इन सभी क्वेश्चंस को देख लेते हो, यानी इन वीडियोस को देख लेते हो, और जैसा कि मैंने आपसे वादा किया है वन शॉट वीडियो एविडेंस लॉ का, CRPC का ज़रूर आएगा, तो वो बस आने ही वाला है, ठीक है। तब तक आप बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ एविडेंस लॉ को देखो, समझो और इसे नोट कर लो। तो थैंक यू, हैव अ नाइस डे।